हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि किसी व्यक्ति में कितनी भी ज्यादा अयोग्यता क्यों ना हो या कितनी कमियां क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरि का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो जो सारी कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का नाम है। तो यहां पर, यहां तक कि एक आउटकास्ट यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी हो, अगर ऐसा नीच व्यक्ति भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी, बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने हालांकि लिखा है दैट ही बिकम्स वर्शिपेबल, मतलब पूजनीय हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का नाम ले रहा है, भले ही उसने कुत्ते का मांस कभी खाया हो। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो गुरु बनने के लायक भी है ऐसा व्यक्ति, ना सिर्फ पूजनीय, क्या पूजनीयों में भी, बल्कि गुरु बनने के लायक है ऐसा व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति पूजनीय हो जाए, गुरु हो जाए, मतलब कि एकदम महापतित अवस्था से ऐसी अवस्था हो जाए कि वो पतित पावन हो जाए, ऐसा महापतित पावन है, महा महापतित पावन है श्री हरि का नाम, भगवान का नाम।